हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करके एक इंडिकेटर है जो कि बहुत ही बेस्ट काम करता है मार्केट के अंदर, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो LTP कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी सिनारियोज है वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, और किस सिनारियोज में इंडिकेटर किस तरीके से यूज करना है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो मैं अपने कम्युनिटी बैच वालों को कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कि इसकी सेटिंग्स क्या है, क्योंकि इसकी सेटिंग्स बहुत सारी है, ठीक है ना। ये इंडिकेटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी सेटिंग्स बहुत सारी है, तो मैं उनको पूरा वो चीज सिखाने वाला हूँ। तो लास्ट 2 दिन बचे है एडमिशंस के लिए, आज और कल सिर्फ एडमिशंस रहेगा, और उस कम्युनिटी बैच में January 1 से वो स्टार्ट होगा और पूरे महीने चलने वाला है। उस बैच में जो भी मेरे ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर्स है जिन्होंने भी 999 वाला ऑप्शन का कोर्स परचेस किया है, या फिर जो भी मेरे पहले के कम्युनिटी मेंबर्स है उनके लिए स्पेशल ऑफर भी है, वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। और न्यू लोग जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक पैकेज है, उसके अंदर LTP कैलकुलेटर का पूरा सिनारियो आएगा, सब कुछ LTP कैलकुलेटर, उसके बाद में जो सेंसिबल का है वो ऑप्शरा, ये सब कुछ तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक लिस्ट है मेरे पास, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो स्टॉक्स मैंने खुद एनालिसिस करके वो स्टॉक निकाले जिनको आप लाइफ टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हो या फिर उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको उस कोर्स में मिलेगा। इस जनवरी कम्युनिटी बैच में आपको वो चीज मिलने वाली है। और ये जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि इंडिकेटर ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ, वो किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कहाँ पर होल्ड करना है क्या नहीं, आप देखो यहाँ पर जो एवरेजेस चल रहा है, ठीक है, ये जो मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं यहाँ से लेकर, उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलर चेंज होता है। आप देखो यहाँ पर कलर चेंज होता है, ठीक है, ये वाले कलर्स चेंज होते हैं, इसका क्या मीनिंग है, कहाँ तक ट्रेड होल्ड करना है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कम्युनिटी बैच वालों को ऑलरेडी ये सब कुछ सेटिंग वगैरह के साथ ये मिल जाएगा, है ना। तो 2 ही दिन बचे हैं, आप एडमिशन अभी ले सकते हो या फिर कल भी एडमिशन ले सकते हो, परसों के बाद आपको एडमिशन लेना मतलब अलाउ नहीं होगा। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अभी कॉन्टेक्ट कीजिए, और पहले के जो कम्युनिटी मेंबर है उनके लिए डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि LTP कैलकुलेटर में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। पहली चीज हम लोगों को ये करनी है कि जो करंट रेंज आती है LTP कैलकुलेटर में, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर जो करंट रेंज दिखाई देती है हम लोगों को, उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 21,700 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है कि 21,700 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम लोगों को ये पता चल गया है कि सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी 21,700 पर ही है, पर एक चीज देखने से पता चलता है कि येल्लो कलर कहाँ पर बन रहा है, तो येल्लो कलर हम लोगों को 800 की लेवल पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोगों को 800 पर वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है और मार्केट को स्पेस क्रिएट कर सकता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रांग है तो एक्सटेंशन इसका लेगा ही लेगा मार्केट, और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे हम लोग तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 644 का यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो 644 का यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हम लोग जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट में इसको देखते हैं, आइडेंटिफाई, देखो कितने बड़े बड़े ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर आपको जो सेल का सिग्नल मिला है ना, यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला है, तो वहां से बहुत अच्छा एक सेलिंग हैपनिंग हुआ, ठीक है। और इसका फिर ये मूविंग एवरेज जो है वो इससे क्या रिलेशन है, कब तक हम लोगों को ट्रेड होल्ड करना चाहिए, ये सब कुछ मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट में यहाँ पर चल रहे हैं, हम लोगों को रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहा है, वीक दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो 800 तक का स्पेस यहाँ पर बनता है। सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो करीब करीब 644 का, मतलब यहाँ कहीं का हमारा जो है वो सपोर्ट बन रहा होगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर चल रहा है मार्केट, तो हम लोग उसको सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों को मार्केट को निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। पहले हम लोग एक्सटेंशन ऑफ
सपोर्ट जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। करेक्ट, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर है तो मतलब बाइंग का ही ट्रेड बनेगा जब तक इसको सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो ये ट्रेड यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, ये ट्रेड को सेलिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके नीचे जाने के बाद भी। पर अगर यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को जहां पर भी बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ, ये सेलिंग का ट्रेड हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे अपना स्क्वायर अप कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगेन उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर जाने लगा, यहाँ से देखो स्काई ब्लू कलर की लाइन जो है वो जनरेट हुई, ठीक है। यहाँ पर हमारा बाइंग जनरेट हुआ, पर हम लोग यहाँ पर जो है वो बाइंग नहीं करने वाले। तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे जब तक ये इस ट्रेंड लाइन की ऊपर नहीं चला जाता, ठीक है। इस ये जो लाइन क्रिएट हुआ है ये अभी भी रेड में चल रहा है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं चला जाता हम लोगों को ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं करना है। बाइंग सिग्नल तो यहाँ पर जनरेट कर दिया है इसने, ठीक है, पर अभी भी ये इस एवरेज लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ईएमए के ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इसको बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक ये इसके ऊपर नहीं चला जाता। अब यहाँ से निफ्टी टर्न अराउंड हुआ, यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ है। ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है यहाँ से तो हम लोग अगेन सेलिंग के लिए बैठ जाते यहाँ पर ये चीज हुआ नहीं, इसके नीचे ये गया नहीं है, तो हम लोग मतलब बहुत सारा कंफर्मेशन है यहाँ पर, हम लोग जो है वो अभी इसको सेल नहीं करने वाले। अभी ये इसके मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, जो भी बोलो इसको, ट्रेंड लाइन बोलो, मूविंग एवरेज बोलो, है ना, उसके ऊपर चल रहा है ये, तो इसके ऊपर हम लोग चलने देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर इसके चलने देंगे, यहाँ पर हम लोगों को बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखना, जो बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है इस वाली कैंडल में, बाइंग सिग्नल बिल्कुल वहां से ही ये लाइन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। देखो जो ईएमए दिख रहा है हम लोगों को वो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, और इस लाइन के भी हम लोगों को ऊपर ही मार्केट दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉसओवर भी आने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऊपर ही दिख रहा है यहाँ पर बाय सिग्नल, तो हम लोग यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे इस कैंडल में कहीं पर भी बाय कर सकते हैं। इस स्विंग के लो के नीचे का हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस स्विंग के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक ये सेलिंग सिग्नल जनरेट नहीं करता फिर एक बार, तब तक हम ट्रेंड को होल्ड करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ है और ये रेड लाइन के नीचे भी आने लगा, रेड सिग्नल जनरेट किया, मतलब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो क्या कर लेना है, हम लोगों को लॉक कर लेना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बुक कर लेना है अगर हम लोगों ने ट्रेड लिया है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ से करीब करीब आपका जो ट्रेड बना वो यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ है, और 120 पॉइंट का निफ्टी के अंदर आपने फ्यूचर्स में अगर ट्रेड लिया होता तो 120 पॉइंट आप कैप्चर कर चुके हो। एक लॉट के अंदर कितना होता है 120 पॉइंट्स, तो कि आपका प्रॉफिट हुआ 6,200 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो हम लोगों को ये सेलिंग का सिग्नल मिला, यहाँ से अगर सेल करते तो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पर आ जाता, पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेंड कब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आ जाता, यहाँ पर देखो, ठीक है। ले सकते हो यहाँ पर भी आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, पर उसको रख नहीं सकते, तुरंत आपको जो प्रॉफिट है वो 1:2, 1:1 के हिसाब से बुक करना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो आपने ट्रेड लिया है ना वो आप रख सकते हो, जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आता तब तक आप उसको रख सकते हो, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट जो है वो बुक करना सीखे, 4,000, 5,000, 6,000, इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे तो आपको जो है वो इन फ्यूचर आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका कलेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मतलब निफ्टी को फ्यूचर्स में 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए होल्ड करके ये पूरा सा पूरा मूव जो है वो कैप्चर करेंगे। आप देखो छोटे मोटे बाइंग सेलिंग सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट होते रहे, पर एक बड़ा ट्रेंड यहाँ से कन्वर्ट हुआ, एक बड़ा ट्रेंड इस लाइन के ऊपर चल रहा है, जब तक ये उसके नीचे नहीं आता तब तक हम लोगों को एग्जिट नहीं करना है। उस तरीके का ट्रेड अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो आपको यहाँ कहीं पर वो ट्रेड मिला होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिला, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अप ट्रेंड में जब कन्वर्ट हुआ तो वो स्विंग बनाकर बनाकर ऊपर की तरफ जाता रहा, देखो उस लाइन को ब्रेक नहीं ही किया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की तरफ गया, और आप देख सकते हो कि ये कहाँ पर जाकर ब्रेक किया है, इस लाइन को यहाँ पर जाकर ब्रेक किया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां का ट्रेड 19,000 कहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं,
थ्रेड को कैप्चर करने की। करीब करीब ये जो दिख रहा है 19,200 पर हम लोगों ने कैप्चर किया, और एग्जिट कहाँ पर मिली हम लोगों को, 19,200 की एग्जिट 21,220 पर एग्जिट मिली, 21,200 पर एग्जिट मिली, मतलब 19,200 से लेकर 21,200, ठीक है ना, 200 पॉइंट का ये करीब करीब आपने क्या कर लिया, रैली कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो 2000 पॉइंट निफ्टी के अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप इतने बड़े ट्रेंड को यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 50 का निफ्टी का एक लॉट अगर आप लोगे तो 1,00,000 रुपए का ट्रेड ये बना आपका, मतलब 1,35,000 रुपए लगा करके आपने 1,00,000 रुपए कमाए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ट्रेंड जो है वो स्टॉक्स के अंदर भी आप इसमें होल्ड कर सकते हो। अभी देखो रिलायंस का भी ट्रेंड चला, ठीक है, यहाँ पर रिलायंस का ट्रेंड जो है वो निगेटिव में गया था, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में, यहाँ से लेकर के ये ट्रेड अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो आपने एक ट्रेड कहाँ पर कैप्चर किया, यहाँ पर कैप्चर किया, 2440 पर कैप्चर किया, अभी भी वो ट्रेड पॉजिटिव में ही चल रहा है, 25,000 2600 की लेवल पर वो चल रहा है, 2400 की लेवल से 2600 की लेवल पर, और लास्ट टाइम यहाँ पर वो कन्वर्जन हुआ था यहाँ कहीं पर, तो 2200-2300 की लेवल से आप लोग कहाँ पर लेकर आए थे उसको, 2440 तक लेकर आए थे, मतलब 100-200 पॉइंट स्टॉक्स के अंदर भी ये रैली कैप्चर करवा सकता है। इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, और इसके बारे में इन डिटेल्स में कम्युनिटी बैचेस में सिखाने वाला, तो आपको कम्युनिटी बैचेस जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स में आपको इसी के अंदर 2500 रुपए के अंदर ही देने वाला हूँ। तो इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, सारे इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूँ, LTP कैलकुलेटर, सब कुछ उस ट्रेड में, पूरा का पूरा कॉम्बो, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट उसके अंदर में आपके लिए 1 मंथ में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो हम लोगों को एक बात जानना जरूरी है कि LTP कैलकुलेटर में हम लोगों को क्या सिनारियोस ट्रेड करने चाहिए। तो जैसे ये सिनारियो है, ठीक है, जैसे ये वीक टूवर्ड्स क्या बन रहा है, टॉप बन रहा है, करेक्ट। अगर सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप बन रहा होता, या फिर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, हम लोग मार्केट को यहाँ पर सेल नहीं करने वाले, हम लोगों को मार्केट में बाय प्लान करना है, ठीक है। अगर इसका सिनारियो उल्टा बनता, वीक टूवर्ड्स बॉटम बनता, तो हम लोग जो है वो इंडिकेटर के सिग्नल मिलने पर हम लोग क्या करते, यहाँ पर अगर ये इसके नीचे आ रहा होता, यहाँ से नीचे आ रहा होता, तो हम लोग जो है वहां पर सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट कर देते। अब अलग अलग यहाँ पर जो कलर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये ग्रीन कलर की लाइन है, इसका मतलब क्या, अब ट्रेंड में चल रहा, ठीक है। ये येलो कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, येलो कलर मतलब आज मार्केट साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेड कलर जैसा दिख रहा है आपको, ये मतलब क्या, मार्केट गिरावट में। तो कलर ही आपको बता देगा कि मार्केट निगेटिव है, साइडवेज है, या फिर बुलिश में है, दूसरा कोई देखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, इतना पावरफुल ये इंडिकेटर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कम्युनिटी बैच आप ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उसी के ऊपर आपको फोन पे या फिर गूगल पे से 2500 रुपए आपको पे करने हैं। बस 2500 रुपए में आपको मैं पूरा LTP कैलकुलेटर, उसके बाद सेंसिबल में स्ट्रेटजी बिल्डर, और सेंसिबल पूरा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम की तरफ, और यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन में स्ट्रेटजी बिल्डर, उस पर किस तरीके से आपको ऑप्शन का ट्रेडिंग करना है, स्टॉक्स के अंदर मेरी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट में आपको इसके इस कोर्स में आपको लिस्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जो है उसके अंदर ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब कुछ कम्युनिटी बैच में आपको ये मिलने वाला है, तो मतलब बहुत सारे स्टॉक है, 30-40 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो आप लाइफ टाइम के लिए बना सकते हो, मोनोपोली स्टॉक, ये स्टॉक सब कुछ फंडामेंटली बेस्ट कंपनीज आपको कहाँ पर बाय करनी चाहिए विथ लेवल में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज ही कम्युनिटी बैच ज्वाइन कीजिए और अपना एडमिशन जो एनरोल कर लीजिए, सिर्फ आज और कल का दिन एडमिशन रहेगा, फिर बाद में एडमिशन आपको नहीं करने मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। थैंक यू सो मच।